अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अगर हम बात करें हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की, तो आजकल वो बहुत जारहाना मूड में नज़र आते हैं, ख़ासकर अपने दौरे पंजाब के दौरान। कभी बातें करते वो हमें दिखाई दिए मियाँ बरादरान की चमक के बारे में, और उन्होंने ये कहा, ये दावा किया कि ये चमक उन्हीं की अता करता है। फिर उन्होंने एक दावा कर डाला और एक वादा आवाम से कर डाला कि जब उनके हुकूमत के कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं तो उन्होंने कहा कि इसी हुकूमत के दौरान सरायकी सूबा भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा आने वाला वक्त बता देगा, या ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रह जाएगा। लेकिन जहाँ इतना जारहाना अंदाज उनका था, वहीं उन्होंने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। जो मुख्तसरन हम बताएं कि APNS का जो इजलास, उनका इस्लामाबाद में जो प्रोग्राम हुआ, उसके दौरान जब उन्होंने मीडिया पे बात की तो कुछ दोस्तों का भी जिक्र किया, लेकिन साथ साथ मीडिया के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन मीडिया कर रहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसके अलावा ये जो कैंपेन है जो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, इसके जो दरमियान फ़र्क है वो इस फ़र्क को भी अच्छी तरह समझते हैं। उनके बकौल उनके कि उस पर इस तरह से ये चीज़ एक मुहिम चलाई जा रही है। जरदारी साहब से पूछना सिर्फ इतना है, बल्कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनसे सिर्फ पूछना इतना है कि क्या ये बात, और यकीनन ये बात सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के लिए तो हो सकती है, क्या किया जाए इंटरनेशनल मीडिया का, और क्या किया जाए गूगल के सर्च इंजन का कि जब वहाँ पर डाला जाए और वहाँ पर लिखा जाए कोई डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए मिस्टर 10%, तो जितनी वेबसाइट, जितनी रेफरेंस वेबसाइट्स हमारे सामने आती हैं उन पर सदर आसिफ अली जरदारी का नाम भी होता है, इसकी क्या वजह है। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। रिसेंटली पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, और चूंकि नया नया ज्वाइन किया है इसलिए भरपूर दफा भी करते हुए नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। PTI से ताल्लुक है, विमेन विंग की प्रेजिडेंट हैं फौजिया कसूरी साहिबा, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया कसूरी, शुक्रिया ज्वाइन करने का। वालेकुम। इसी के साथ सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, अफसार आलम साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, बेहतर होगा कि हम मज़ीद डिटेल में जाए बगैर, बल्कि बेहतर उससे भी ज़्यादा यही होगा कि जब मैं इंटरनेशनल मीडिया का जिक्र कर ही रही हूँ तो हम उन कुछ वेबसाइट्स को आपको बता भी दें, क्योंकि फिर ये ना कहा जाए कि कहीं सुनी बातें हैं या बाइस्ड मीडिया है हमारे लिए ऐसी बातें कर रहा है। मैं कुछ पहले उन अखबारात का जिक्र करती हूँ जो कि जाने पहचाने हैं। द टेलीग्राफ UK का न्यूज़पेपर, कौन उसके बारे में नहीं जानता। उसकी हेडलाइन आसिफ अली जरदारी, लाइफ एंड स्टाइल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर 10%। ये टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप अभी कुछ ही देर में ये तमाम JPEG फाइल्स ऑन ईयर भी देख सकेंगे। BBC की जो वेबसाइट है, BBC की अपनी जो न्यूज़ की वेबसाइट है, उस पर यह डिटेल है। द यंग जरदारी इज़ मेन क्लेम टू फेम वॉज दैट ही हैड अ प्राइवेट डिस्को एट होम हेल्पिंग हिम गेन द रेपुटेशन एज अ प्ले बॉय। ये BBC उनके बारे में लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स उनके हवाले से लिखता है, जब स्विस बैंक के जो आज डिनाइल पे हैं, वो ये भी लिखता है कि उसमें जो सिग्नेटरी और उसके साथ साथ जो रिटन डॉक्यूमेंट था उसमें बिलावला उसका कराची का एड्रेस है, और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊँगी। फिर अगर हम बात करें द इंडिपेंडेंट, एक और है, उस पर लिखा है मिस्टर 10% पुट जेल बिहाइंड हिम वगैरह वगैरह। मिस्टर जरदारी के लिए फिर ये अल्फाज का इस्तेमाल, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ हमारा पाकिस्तानी मीडिया नहीं है, अगर ये कैंपेन यहाँ के मीडिया में चलाई जा रही है तो इंटरनेशनल मीडिया में क्या हो रहा है। और अबव ऑफ ऑल ये बात भी की जाती है अबाउट .com, जो मिडल ईस्ट का इशू है, उसमें भी जरदारी साहब के बारे में इसी किस्म की बातें लिखी हुई हैं। और हर जगह जब हम देखते हैं तो जो किकबैक से पुरानी बातें सामने आती हैं, वो मेल ऑनलाइन की मैं जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगी, जिसमें यहाँ तक लिखा कि वाई कैमरॉन शुड काउंट हिज फिंगर्स आफ्टर शेकिंग हैंड विद पाकिस्तान मिस्टर 10%। अब ये सब क्या है, इस पे ज़रूर जानूंगी। सबसे पहले से पहले कि मैं फवाद चौधरी के पास जाऊं और उनको मौका दूं कि उसको करें, ज़रा अफसार आलम साहब के बात पूछती हूं और उनसे पूछती हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का इसका नाम ही है कि हम हुकूमती शख्सियात के ख़िलाफ़ बोलें, या हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। अफसार आलम साहब,
जी नादिर, शुक्रिया, आपने बड़ा लंबा उसमें अच्छे तरीके से बताया है, और जो आपने खुद बताया कि 1% अगर आप 10% गूगल करें तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आता है, जो बहुत कोई हमारे लिए एजाज की बात नहीं है पाकिस्तानियों के तौर पे। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने बात की, जो सवाल पूछा है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हक है पाकिस्तान के हर शहरी का और इसी तरह पाकिस्तान के सहाफियों का भी। मसला ये होता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच बाज लोग जो हैं वो उसका मिसयूज करते हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि मीडिया के कुछ लोग जो है वो अपनी इस आजादी का गलत फायदा उठाते रहे हैं, माजी में भी, अब भी उठा रहे हैं, और कुछ शिकायत आयत शायद जायज भी हों आसिफ अली जरदारी साहब की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी। लेकिन मसला ये है कि अगर आप दूसरी तरफ जाके देखें, आवाम की तरफ जाके देखें, जो मीडिया का काम है, मीडिया का काम ये नहीं है कि किसी की तारीफ करे या किसी के कसीदे लिखे। मीडिया का जो काम है, जो उसकी ड्यूटी है, जिसकी उसे सैलरी मिलती है, जो उसका एजेंडा है, जो उसके TOR हैं, वो ये है कि जो भी हुकूमत वक्त हो, कोई भी हुकूमत हो, परवेज मुशरफ की हो, वो आसिफ अली जरदारी की हो, वह नवाज शरीफ की हो, बेनजीर भुट्टो की हो, उस हुकूमत वक्त के ऊपर चेक रखना, वो क्या गलत काम कर रही है, अवाम को बताना कि हुकूमत ये काम गलत कर रही है, ये सही कर रही है। ठीक है, अब मीडिया क्या कर सकता है। हाँ, लेकिन जब हमने वो दौर देखा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब का, और जिस तरह से मीडिया कैंपेन चली और इस हद तक चली कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को मुल्क से रुख्सत होना पड़ा, और जब ये कैंपेन चल रही थी तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि मीडिया इनके खिलाफ कैंपेन चला रहा है, मीडिया मुशर्रफ साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। यही वो पार्टीज थी, यही वो लोग थे जो सड़कों पे थे, मीडिया के साथ थे। मीडिया पे जब बुरा वक्त आया, आप गवाह हैं, हम किस किस तरह से हम लोग लाइव ट्रांसमिशन करते थे, उन्होंने हालात में यही साथ खड़े होते थे और मीडिया के हाथ से हाथ इन्होंने मिलाया हुआ था। आज क्यों लगता है जब अपने ऊपर आती है कि जी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है? जी नादिया, बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी है। मसला ये होता है कि जब एक काम इनके मफाद में हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ANP को और MQM को ये चीज सपोर्ट करती थी। MQM तो खैर उस वक्त परवेज मुशर्रफ के साथ थी, उनको सपोर्ट करता था मीडिया जो कुछ कर रहा था, उनको उम्मीद पैदा हुई थी कि अब उन्हें इख्तदार मिलेगा अगर मीडिया इसी तरह जारी रखे। हमारी कुर्बानियों से, अदलिया की कुर्बानियों से जो इनको इख्तदार मिला, उसके बाद जाहिर है एक हमारे यहाँ जो एहसास कमतरी है हमारी रूलिंग क्लास में, वो उनकी जान नहीं छोड़ता। जब वो अपोजिशन में होते हैं उनको मार पड़ रही होती है। हमारे वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने अपना आधा घर बेच के तो अपना खर्चा पूरा किया था मुल्तान का, अभी वो घर भी वापस मुल्तान का ले रही है और उसकी दीवार देखे उस पर कितने अरबों रुपए कौम के खजाने से लगे हैं। लाहौर डिफेंस में वो हर महीने नया बंगला खरीद लेते हैं, गाली भी लाहौर को निकाल रहे हैं। अब इस तरह की जब उनके पास पैसा आना शुरू होता है, इख्तदार आता है, तो साथ तकब्बुर भी आता है। फिर है। वो वक्त भूल जाते हैं जब इसी मीडिया ने उनकी जंग लड़ी थी। आज हुकूमत में है, जो हुकूमत में अभी जो अपोजिशन है वो मीडिया से बड़ी मोहब्बत कर रही है, लेकिन जब ये अपोजिशन अगर हुकूमत में आ गई, मीडिया बुरा लगेगा। ठीक है, ये जाहिर है, ये नेचुरल फिनोमेना। अब जरा फवाद चौधरी से बात करती हूँ। फवाद चौधरी साहब, वजीर आजम के हवाले से भी इन्होंने बात कर दी है, अब सारा आलम साहब ने, क्या आपको भी लगता है पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए करने से पहले भी क्या आपको यही लगता था कि सदर पाकिस्तान की या PM साहब की कोई कैरेक्टर असैसिनेशन ये मीडिया कर रहा है, या अब लगता है? पहली बात तो ये है नादिया के जो आपका प्रोग्राम है, इट सेल्फ ही इस बात का सबूत है कि करेक्टर असैसिनेशन 50 ही की होती है। बेहतर ये होता कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उसको आप इमरान खान साहब की भी दिखाती हैं जो उनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग है। हाँ, लेकिन अभी तक इमरान खान ने कहा नहीं है ना कि मीडिया उनकी करेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। फवाद चौधरी, जिस दिन इमरान खान कहेंगे उस दिन हम इमरान खान के लिए दिखाएंगे। आसिफ जरदारी साहब ने भी, आसिफ जरदारी साहब ने भी मीडिया का इस तरह से नहीं कहा। ये जो मीडिया की आज़ादियां हैं या पाकिस्तान के अवाम की आज़ादियां, तो पीपल्स पार्टी ही की जद्दोजहद का समर है। पाकिस्तान में जो वन मैन वन वोट का रूल है, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, ये जुल्फकार अली भुट्टो की दी हुई है, उनकी जद्दोजहद है। और पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत है, और इस जमहूरी आज़ादियाँ जो हैं उसमें मीडिया की आज़ादियाँ शामिल हैं, उनकी दाई है, और ये उन्हीं उन्हीं की बदौलत मिली हुई हैं। जहाँ तक आपने अभी आसिफ जरदारी साहब की देते
उनके दौर में जो जो चैनल्स आए हैं बुनियादी तौर के ऊपर, आप जमहूरियत का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को नहीं, नहीं देती। मैं तो 1970 का इंतखाबात का आप जो क्रेडिट है वो क्या जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं देने को तैयार? जुल्फकार अली भुट्टो की जो शहादत है, जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत में आमद जो है, और फिर बेनजीर भुट्टो की जो शहादत है, उस वो भुट्टो और बेनजीर की जो कुर्बानियां हैं उनके तुफैल पाकिस्तान में आज जो शहरी आजादियां हैं वो हमें मिली हुई हैं, और हमें इसके ऊपर तो यूनैनिमस है, इसके ऊपर तो मैं मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये था फवाद चौधरी की गड़ी खुदा बख्श के कब्र के ऊपर, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब भी जाते हैं, इमरान खान भी उनको प्रेज करते हैं, बिल्कुल हम भी करते हैं, इन आजादियों के ऊपर तो किसी का कोई दो राय नहीं है फवाद चौधरी, थोड़ी सी हम भी जो है जो आपने कंपेन, मैं तो पूछ रही हूँ आपको लगता है कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है? बिल्कुल करेक्टर असैसिनेशन होती है। आपने देखा होगा कि जब ये जब जो सारी स्टोरीज हैं ये उस वक्त की हैं जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी पाकिस्तान की वजीर आजम थी, नहीं जी, पाकिस्तान 2010, की वजीर आजम उस लेट मी करेक्ट यू 2010 2008 अगेन 2008 नहीं नहीं ये तो उस दौर के हवाले से लिखी गई है ना, कोई भी अभी तो 4 साल में तो उनकी कोई जिक्र ही नहीं हुआ, आसफ जरदारी साहब का कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ, कहीं कोई बात नहीं आई, उनके बच्चों की कहीं कोई बात नहीं आई, ये तो सारी पुरानी स्टोरीज है ना, इनमें से एक भी नहीं है। और है। उस वक्त क्यों हो रही थी ये करेक्टर असैसिनेशन के उस वक्त इसलिए करेक्टर असैसिनेशन हो रही थी कि बेनजीर भुट्टो को जद पहुंचाना मकसद था, और आसफ जरदारी को एक सॉफ्ट बेली के तौर के ऊपर लिया गया था। तमाम मुकदमात नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे और 11 साल की उन्होंने बर्दाश्त किया, उनमें से एक भी जुर्म पूरा नहीं और हुआ। ये इंटरनेशनल असैसिनेशन वही होती है कि जब आप ये कहते हैं कि आप इल्जाम लगा, अब भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी के ऊपर क्यों इल्जाम लग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर गिलानी के ऊपर इसलिए इल्जाम लग रहे हैं कि आसफ जरदारी को जद पहचाना मकसद है, वो सॉफ्ट बेली है इस वक्त गवर्नमेंट की, और होता यूं है कि एक अखबार में खबर लगती है, एक खबर लगती है उसके बाद 100 वोटर नोटिस होते हैं, नहीं 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 नारिया पूरी बात मुकम्मल बोलना शुरू कर देती है, बात मुकम्मल नहीं होती, उनसे नहीं, भी तो नहीं, बात पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे, आपने 1 घंटे का इंट्रो दिया है उसके बाद आपने दुनिया जहान की जो है फजूल अखबारें उठा के दिखाई है, मुझे बात मुकम्मल करने दे। बात यह है कि आप एक करेक्टर असैसिनेशन इस तरह से की जाती है कि आप इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद 100 वोटर नोटिस होता है, उसके बाद हेडलाइन चलती है पूरा साल, एक भी स्कैंडल 4 साल में प्रूव नहीं हुआ और करेक्टर असैसिनेशन का हिसाब किताब ही कोई नहीं किया गया। ठीक है फवाद चौधरी, मैं एक मुख्तसर सा बल्कि ब्रेक ही ले लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे जब फौजी कसूरी की तरफ तो फिर मुझे उनकी बात को कट करना पड़ेगा। नासिर मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर क्लियर ये बात करना चाहती हूँ कि ये जो अगर ये इंप्रेशन लिया जा रहा है कि जी हम अपनी तरफ से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मैंने सिर्फ रेफरेंसेस कोट किए हैं, मैंने सिर्फ बात की है गूगल के सर्च इंजन की, अगर किसी को मेरी बात से इतफाक़ नहीं है तो वो अपने अपने इंटरनेट पर हर एक के पास अवेलेबल है, पंजाब में तो भरपूर मुहिम चलाई गई है लैपटॉप्स की, उसमें भी रिसर्च भी की जा सकते हैं, सर्च भी किया जा सकते। मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। फवाद चौधरी का मौकफ हमारे सामने आ गया, वो अभी भी इस बात पे बज़द हैं कि माजी में भी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई थी और आज का मीडिया भी पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, ऐसा क्यों है? मुख्तसर सा ब्रेक वापस आता है, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो, और हम बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट उठाया जाता है, इस बारे में बात की जाती है, सदर पाकिस्तान के हवाले से भी ये बात की गई और उनको ये महसूस होता है, वो इस बात का इजहार करते हैं कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, उनकी किरदार कशी की जा रही है, इस बात में कितनी हकीकत है? पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका भी यही मानना है। फौजिया कसूरी साहिबा से पूछूंगी कि अगर ऐसा है और ऐसा एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है तो ये क्यों है? क्या वाकई मीडिया अब इस तरह से कॉन्स्पिरसीज में शामिल हो चुका है या मीडिया में ऐसी ब्लैक शीप्स आ गई हैं, और वाकई क्या उनको भी लगता है एक बीइंग अ नॉन पीपी लीडर के ऐसी कुछ चीज़ हो रही है? जी फौजिया कसूरी साहिबा,
जी देखिए नादिया, मीडिया का काम ये है कि मीडिया वो इमेजेस दिखाता है, मीडिया वो खबरें पहुंचाता है लोगों तक जो हो रही। जब दर हकीकत कोई काम हो रहा होता है, कुछ नज़र आ रहा होता है, कोई एक्टिविटी पाकिस्तान में हो रही है जिसमें करप्शन इन्वॉल्व्ड है, जिसमें लोग मर रहे हैं, जिसमें दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें हमारी कौम भूख से मर रही है, और उसके साथ साथ हुकूमती चोरियाँ हो रही हैं, उसके साथ साथ हुकूमत के बड़े बड़े स्कैंडल्स अरबा रुपए के हो रहे हैं, तो मीडिया का तो काम है कि मीडिया उस चीज को रिपोर्ट करे। एंड कमिंग टू कैरेक्टर असैसिनेशन, देखिए ये हुकूमत जरदारी साहब की कोई नई बात नहीं है, ये अपनी हुकूमत के शुरू के दिनों में से कहते थे मैं आंखें निकाल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, इतनी नाजेब गुफ्तगू ये करते रहे हैं मीडिया के ऊपर, ये हमेशा मीडिया को थ्रेट भी करते रहे और मीडिया के खिलाफ भी बोलते रहे। हाँ वो दूसरी बात है कि फवाद चौधरी मेरे भाई हैं, इन्हें उस वक्त वो नजर नहीं आता था क्योंकि ये उस वक्त मुशर्रफ के साथ थे, आज ये पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो इनका देखने का और सोचने समझने का अंदाज बदल गया है। मगर जो लोग एक कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सियासत कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान के सोचने वाले थिंकर्स हो, लोगों में इतना शऊर है, वो पहचान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन सबसे बड़ा नासूर है, ये एक ऐसा कैंसर है कि हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है। आपने बिल्कुल सही बात की, आप यकीन जानिए कि आसिफ अली जरदारी साहब का नाम गूगल कीजिए तो जितने लिंक्स खुलते हैं, जितनी वेबसाइट्स आती हैं, उन वो तमाम करप्शन रिलेटेड हैं। अच्छा, अगर ये समझ रहे हैं कि मीडिया इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है या इनका कोई मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो व्हाट अबाउट इंटरनेशनल मीडिया? वो लोग भी तो कह रहे हैं, और आज कि अगर इसको ये साजिश करार देते हैं, अगर ये साजिश करार देते हैं तो ये साजिश तो पाकिस्तानी मीडिया की हो सकती है ना। नादिया वो आज से नहीं कह रहे, फवाद एक सेकंड में अपनी बात कंप्लीट, फवाद में एक सेकंड, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था भाई, प्लीज। देखिए नादिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1998 के अंदर पूरा एक आर्टिकल लिखा था ट्रेसिंग द भुट्टो मिलियंस, यू नो, ऑन देयर करप्शन। उन्होंने तमाम स्विस बैंक्स के बारे में लिखा था, उन्होंने तमाम जो एलिगेशंस थे, अगस्टा सबमरीन डील्स, तमाम जो डील्स थी जरदारी साहब की जब वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, उस वक्त के जमाने से वो ट्रेस कर रहे हैं। ओके, फिर टाइम्स ऑफ लंदन ने यही चीज रिपोर्ट की जून ऑफ 1998, अप्रैल 1998 में। मैं ये पूछ रही हूं, अगर ये सब इनकी असैसिनेशन कर रहे थे कैरेक्टर की, और अगर ये बेबुनियाद खबरें हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने कभी उनको चैलेंज किया? क्यों नहीं इन्होंने कहा कि मैं उनको सू करता हूं? क्यों नहीं इन्होंने उन न्यूज़पेपर्स के खिलाफ डिनाई किया? और जावेद हाशमी से इस्तीफा ले ना, जिनके ऊपर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जावेद हाशमी का 1,86,00,000 रुपए उन्होंने लिए। यही तो मैं कहता हूं ना कि आप पीटीआई की क्यादत की आपको डालनी चाहिए थी, जो उन्होंने पाकिस्तान में जो इस वक्त करप्ट तरीन लोग जो पीटीआई में शामिल है, आपको चाहिए था उनकी भी खबरें लाती, आपको चाहिए था नवाज शरीफ साहब के ऊपर जितने एलिगेशन है वो भी लेके आती। मैंने आपसे कहा कि अभी तक इमरान खान ने मीडिया के खिलाफ नहीं बोला है। जावेद हाशमी साहब और नादिया, जावेद हाशमी चौधरी, 86,00,000 रुपए के एलिगेशन है फवाद चौधरी इमरान बैंक से लेने का, ये आपको चाहिए था कि लोगों में से है जो हमेशा हुकूमत के साथ होते हैं, चाहे वो मुशर्रफ की हुकूमत हो, चाहे वो मुशर्रफ पार्टी की हुकूमत, ये हमेशा हुकूमतों के साथ होते हैं। ये इमरान खान का क्या जिक्र कर रहे हैं जी? हमारी जमात तो कभी हुकूमत से नहीं आई, हमारी जमात पाकिस्तान मसला यहाँ पर ये है, लोग हैं फवाद चौधरी एक सिर्फ खामोश होते हैं, जब मैं बोलती हूँ ये बोल पड़ते हैं आप। प्लीज फवाद, आप अपने टाइम से क्या किया है आपने, जो नादिया आपने ज्यादा ये किया है कि आपने पिन पॉइंट किया किसी भी लीडर के ऊपर, आप बैठ जाएं गूगल करने शुरू हो जाएं, इमरान खान के ऊपर बैठ जाएं, नवाज शरीफ के ऊपर बैठ जाएं, आपके लीडर ने खुद कहा है, आपके लीडर ने खुद कहा है कि चीजें निकल आती है, आप उसके ऊपर एक प्रोग्राम शुरू कर दे और बाकियों के ऊपर जो है वो शुरू कर दे, ये कहलाता है करेक्टर असैसिनेशन। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ करेक्टर असैसिनेशन। नादिया आप, मैं बोल सकती हूँ, देखिए ये
कितनी देर और जो पीटीआई जितने फरिश्ता बनती है इनको चाहिए था कि इनका प्रेसिडेंट के ऊपर एलिगेशन और प्रूवन एलिगेशन रसीदी आई है साथ 1,86,00,000 रुपया इन्होंने लिया, इनको चाहिए था उनसे रिजाइन लेते जितने बड़े ये फरिश्ते हैं। अच्छा चले अब आप बोल चुके, अब आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप प्लीज जल्दी से कंप्लीट करें क्योंकि मुझे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना है, फिर हमें बात करनी है पाकिस्तान के कैबिनेट की। ये जो कह रहे ये पता नहीं कौन से गूगल को देख रहे होंगे, जाइए जी गूगल में इमरान खान का नाम लिखिए तो और आप देखिए कि उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स। प्लीज फवाद, आप प्लीज फवाद खामोश रखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। पता है अगर आप बोलने की तहजीब से नहीं बात करेंगे तो फिर हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? पीटीआई का आप ही बोल, आप ही बोल। अच्छा मैं बात इस बात को मैं यही खत्म करती हूँ, मैं मजीद आगे चलती हूँ। सारा आलम साहब मुझे ये बताइए कि जब हम इन्हीं बातों को पॉइंट आउट करते हैं तो फिर बात ये होती है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है। हाल ही में आपको भी पता है कि कैबिनेट के साइज में एक दफा फिर इजाफा कर दिया गया है इलेक्शंस के से कुछ ही महीने पहले। सबको पता है कि ये इलेक्शन ईयर है जिसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है जो इनकी अपनी अलाइज है, इवन एएनपी या क्यूली या एमक्यूएम। अब जब काबीना के साइज में जिस तरह से इजाफा किया गया, हम मुख्तसरन अगर आपको बताते चले कि इस वक्त काबीना अराकीन की तादाद क्या है, मैं स्क्रीन पे आपको वो बताऊंगी, वो तमाम डिटेल, वो तमाम स्टैटिस्टिक फैक्ट्स एंड फिगर, और उसके बाद अफसार आलम साहब की राय लूंगी क्योंकि फिर ये बात बढ़ाएगी कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ट्रायल हो रहा है। खिलाफ ट्रायल नहीं होता किसी के भी, जो खबरें होती हैं वो पहुँचाई जाती हैं। ठीक है एक सेकेंड, जो इस वक्त हमारे यहाँ जो जो कैबिनेट है जो कि मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल है, जो टोटल वज़रा है उनकी तादाद 61 है, बावजूद इसके कि 18th अमेंडमेंट के बाद इस साइज को कट डाउन करना था और कट डाउन किया भी था, लेकिन एक दफ़ा फिर नवाजिशें करनी शुरू की जा चुकी हैं। आला ओहदे रखने वाली शख्सियात 16 हैं जिनको भी वफाकी वजीर की ही मरात हासिल हैं, जिसमें हाल ही में शहरी रहमान भी हैं जो कि एम्बेसडर लगी हैं अमेरिका की, लेकिन उनको सीनियर वजीर का दर्जा दे दिया गया है। यूँ वज़रा की कुल तादाद की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 82 बनती है। एक अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन पे भी चले जाएं कि मुख्तलिफ ममालिक में वज़रा की तादाद मजीद क्या है, यानी जो पाकिस्तान है उसकी कुल आबादी 18 करोड़, वज़रा और मुशीरों की तादाद बनती है 61, और अगर जिसको हमने कुछ मजीद नवाजा है तो समझे कि 82। भारत आबादी 1,27,00,000,000, वज़रा और मुशीरों की तादाद 32। चाइना आबादी 1,35,00,000,000, वज़रा और मुशीरों की तादाद 14। साथ ही बात कर लेते हैं 1,00,00,000 से ज़्यादा आबादी रखने वाले मुल्क भारत में, जहाँ काबीना अराकीन की कुल तादाद 38 है और चाइना की आबादी 1,35,00,000,000, वज़रा मुशीरों की तादाद 14 है। यहाँ पर नाज़रीन ज़रूरी है कि हम उन मराद का फिर करें क्योंकि हम फिर इसको भी हमें ही डिफ़ाइन करना है कि अगर हमें वज़रा की तादाद बढ़ रही है तो हमें इससे नुकसान क्या है, या हमें इससे तकलीफ़ क्या है, या हमें इससे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है वो भी हम आपको बताते हैं क्योंकि हम ये भी बात करेंगे कि कुल कैबिनेट पे खर्चा कितना आता है, एक एक वजीर पे सालाना खर्चा कितना आता है। काबीना का जो कम से कम कुल खर्चा है पाकिस्तान का 500 करोड़ रुपए सालाना है। एक कैबिनेट मिनिस्टर का, यानी पाकिस्तान का एक मिनिस्टर, उसका सालाना खर्च 6 करोड़ रुपए है। उसके साथ ही जब हम एक आम पाकिस्तानी, एक आम आवाम की बात करते हैं जिसके जो बुनियादी हम उसके राइट्स की बात करते हैं, सेहत और तालीम, एक आम पाकिस्तानी की सेहत पर 144 रुपये सालाना खर्च किए जाते हैं और एक आम पाकिस्तानी की तालीम पर 145 रुपये सालाना खर्च किए जाते हैं। तनख्वाह के अलावा जो दीगर मराहत हमारे वज़रा को मिलती हैं, जिसमें सफरी अखराजात हैं, एयर टिकट्स बिजनेस क्लास के हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, एकोमोडेशन है, फर्निश्ड घर है, मेडिकल अलाउंसेस हैं, पुलिस सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है, पेट्रोल, घरेलू मुलाजमीन, ऑफिस स्टाफ, यूटिलिटीज अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, बला 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 बला। अब ये तमाम खर्चे पाकिस्तान के साथ इस हालात क्या हैं, पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं, और जाए कि कैबिनेट साइज को इस तरह से इंक्रीज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं कॉमेंट लूँगी अफसार आलम साहब से। जी अफसार साहब, नदी आपने बड़ा असल इशू यही है जो आपने अभी उठाया है, और यही लोग चाहते भी हैं कि जो वो टैक्स देते हैं उसको किस तरह खर्च किया जाता है। ये जो पहले इससे पहले बात हो रही थी ना, मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासत जो है वो एक इक्तदार में आने के लिए तो होती है, लेकिन इक्तदार में आके अवाम की खिदमत की जाती है, अवाम के मसाइल हल किए जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी जाती है और उसकी बेसिस पर दोबारा इक्तदार में आने की कोशिश की जा रही है जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये हो रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश पूरी की पूरी ये है कि वो किसी तरह से इक्तदार में रहे, जोड़ तोड़ के जरिए, बाय हुक और बाय क्रूक। उसमें जो गवर्नेंस के इश्यूज है ना, जब वो सही तरह नहीं हल हो रहे फिर उस पर मीडिया तनकीद करता है, जिसको करेक्टर असैसिनेशन कहा जाता है, जो कि गलत है।
लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर करने की जसारत करूंगा कि जो फवाद चौधरी साहब की बात एक ठीक है कि जावेद हाशमी साहब पे भी वो इल्जाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा पर हैं, और जावेद हाशमी पर इसलिए ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अलम उठा के आई है इंसाफ का और करप्शन के खिलाफ वो जिहाद का, इसलिए उनके अंदर अगर ऐसे लोग होंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जैसे हैं तो फिर दोनों में फर्क नहीं रह जाता, इसलिए उन्हें इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि जावेद हाशमी के जी बिल्कुल अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ जो करेक्टर असैसिनेशन की बात है, मैं उनकी मुफाद साहब की इस बात से एग्री नहीं करता। अब मीडिया का काम यह है कि मीडिया हुकूमत पर चेक रखे, जो मैंने पहले बात की है, तो इसलिए जमहूरी जो हुकूमतें हैं, जमहूरियत के जो जमहूरियत पसंद लोग हैं जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, उनकी पार्टी के लोग भी हैं, उन्हें अपना जो है अपना पेशेंस लेवल, अपना टॉलरेंस लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जमहूरियत में तनकीद होती है, लोगों के गिरबान पकड़े जाते हैं, ये इसे मैखाना कहते हैं या पगड़ी उछलती है, इन्हें इसके लिए सियासत में आके तैयार रहना चाहिए, और खासतौर पर जब कोई हुकूमत में हो तो हुकूमत की बात होगी, ऑपोजिशन की बात नहीं होगी। जब ऑपोजिशन हुकूमत में आएगी तो फिर हम उसकी बात करेंगे। ये फवाद साहब को तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि जब परवेज मुशर्रफ हुकूमत में थे तो हम उन पर तनकीद किया करते थे, पीपल्स पार्टी पे नहीं करते थे। आज पीपल्स पार्टी इक्तदार में है, हम उन पर तनकीद कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ पे नहीं कर रहे इस वक्त। ठीक है, इसलिए फर्क है कि मुझे अब ये बताएं कि जो मीडिया की ड्यूटी होती है। एक 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 मिनट नाजी, सिर्फ एक चीज मुझे कह लेने दें। मसला ये हो रहा है कि करप्शन दुनिया में हर जगह होती है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, नॉर्वे में भी है, लेकिन वहां जमहूरी रवैये इतने मजबूत हैं कि अगर किसी पे इल्जाम लगता है, बांग्लादेश में आज इस्तीफा दिया एक वजीर ने, उस पर इल्जाम लगा और वो इन्वेस्टिगेशन का जो सामना कर रहा है। हमारे यहाँ वो जमहूरी रवैये नहीं है, हमारे यहाँ जागीरदाराना ज़हनियत है। जो हुकूमत में बैठा है वो कहता है जी मुझ पर जितने भी इल्जाम लग जाएं मैंने कानून के सामने नहीं जाना, कानून बराबर झगड़ों में पड़े रहेंगे। गवर्नेंस मोरल ग्राउंड्स, वो मिनिस्टर फॉर रेलवे थे, करप्शन का उन पर इल्जाम था, हमारे यहाँ रेलवे का हाल क्या है, करप्शन के इल्जाम लगे चले जा रहे हैं मगर कोई टस से मस नहीं होता। फौजे कसूरी, इससे कबल के मैं जरा कैबिनेट के साइज पे बात करना जरूर चाहूंगी, फवाद चौधरी से ही पूछूंगी कि जाते जाते ये मजीद नवासा क्यों जा रहा है, मुल्की मीशत का हाल सबको पता है, इकानमी कितनी डाउन चल रही है ये भी पता है, उसके बावजूद इतने खर्चों को क्यों बढ़ाया जा रहा है। और लेकिन सबसे पहले जो आपके लिए पॉइंट उठाया जा रहा है जावेद हाशमी साहब का, उस पर आप मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग इखलाकियात की बात करते हैं, मोरल ग्राउंड्स की बात करते हैं कि जी ठीक है, जब तक आप लोगों पे इल्जाम ही सही, जब तक आप लोगों को क्लीन चिट नहीं मिल जाती, प्रेसिडेंट पीटीआई के। जी जी बिल्कुल नादिया, देखिए ये जो मेहरान का स्कैंडल का केस था ये इमरान खान ने ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। उन्होंने हर फोरम पे ये कहा है और हर वक्त ये कहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको कोर्ट से एक्सपोज करें, अगर जावेद हाशमी इसमें इन्वॉल्व है, एलिगेशन प्रूफ हो जाता है तो कोर्ट बताए। इमरान खान ने कहा है कि जो भी जिन लोगों ने ISI से पैसे लिए हैं, जो इस केस में इन्वॉल्व है उनको एक्सपोज करें, हम तो नहीं रुकावट कर रहे, नहीं, वी आर नॉट द पीपल हु आर सेइंग कि नहीं जी नहीं, क्योंकि अगर जावेद हाशमी साहब के ऊपर अगर इल्जाम है जो कि हम समझते हैं कि सही नहीं है, मगर हो सकता है हम गलत हो, तो कोर्ट्स के अंदर केस है, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, वी आर नॉट द पीपल जो ये कह रहे हैं कि स्विस बैंक के अंदर। फिर तो सदर जरदारी पे भी कोई भी इल्जाम अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेट्स कोर्ट डिसाइड, अभी से हम क्यों साबित तो नहीं हुआ है, साबित एक सेकेंड नादिया, साबित होगा कैसे जब प्राइम मिनिस्टर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, जब कोर्ट्स कह चुके हैं कि NRO पिछले 8-11 साल में भी नहीं हुआ था, कोर्ट्स ने उनको हुक्म दिया नादिया, कोर्ट्स ने प्राइम मिनिस्टर को हुक्म दिया कि आप ये लेटर्स लिखिए, मगर प्राइम मिनिस्टर लिखने से इनकार कर रहे हैं, ये लोग तो इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर की अपनी फैमिली पे एक बहुत बड़े चेंज की बात कर रही है, एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की बात कर रही है, बड़े मोरल ग्राउंड्स की बात कर रही है, इखलाकियात की बात कर रही है, और उसका प्रेसिडेंट पे अगर किसी किस्म के एलिगेशंस हैं तो आप लोगों को तो एक मिसाल कायम करनी है, आप लोगों को तो एक माइलस्टोन देना है एक तरह से, उसकी वजह यह है कि आप लोग उसको हटाइए सदारत से और कहें कि जी जब आपको मिल जाए, जब आप अपने इल्जाम तो आइए। नादिया ये कोई हुकूमत है पाकिस्तान की सदारत नहीं है, ये वॉलंटियर काम है, यहाँ लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही है, यहाँ लोग पाकिस्तान के लिए जमा हुए, हटाने के लिए तो उनको हटाना चाहिए जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर अय्याशी और चोरी कर रहे हैं, हटाना तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, जावेद हाशमी मुल्क छोड़ के नहीं भाग रहे, जावेद हाशमी यही बैठे हुए, हर चैनल पे गए, हर जगह वो गए और वो अपना केस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी के लड़के की तरह
नहीं कि वो मुल्क छोड़ के भाग गए, हक्कानी की तरह नहीं कि मुल्क से फरार हो गए वापस नहीं आ रहे। ये तो इनकी क्यादतों का काम है कि जब इनके ऊपर केसेस लगे तो मुल्क छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ, जब एनआरओ कटवाएंगे तो फिर वापस पाकिस्तान आएंगे हुकूमत करने। अच्छा चले, अब नहीं होगा, अब कौम समझ चुकी है, अब कौम में बहुत शऊर आ गया है। जब हम उनको पता है कौम की बात करते हैं फौजिया कसूरी साहिबा, जब हम दीगर पार्टीज को तनकीद का निशाना बनाते हैं और जब हम मोरल ग्राउंड की बात करते हैं, जिससे मिनिस्टर की अभी अफसार आलम साहब ने एग्जाम्पल दी है, उस पर भी करप्शन का इल्जाम था, उस पर अभी करप्शन का केस साबित नहीं हुआ था। बांग्लादेश की उन्होंने एग्जाम्पल दी है, उसने रिजाइन किया है इसलिए कि वो अदालत रिजाइन किया क्योंकि वो एक हुकूमती ओहदे पे था, वो पब्लिक की टैक्स पेयर मनी पे तनख्वाहें ले रहा था। हमारी पार्टी में किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है, हम एक सियासी जमात है, हम वॉलंटियर्स हैं। फौजिया कसूरी कह रही है ना जी, फौजिया कसूरी साहिबा ने जो अभी कहा है ना कि वो एक ओहदेदार हैं, उनको देखिए, अब फिर बात है कि फिर हमें हाई मॉरल ग्राउंड की बात नहीं करनी चाहिए। अभी अगर मिसाल ही नहीं चाहिए तो मैं अभी कल की मिसाल एक और दे देता हूं। हमारे बड़े मशहूर लॉर्ड नजीर अहमद साहब हैं, वो कोई ओहदेदार नहीं है, वो सेनेटर हैं खाली, और उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान की बुनियाद पर उनकी पार्टी ने उनको मुअत्तल कर दिया है, उनका मौकफ नहीं सुना अभी ना उन्होंने कोई और, उन्होंने मुअत्तल कर दिया, उन्होंने कहा आके इसको एक्सप्लेन करें। ये वो तो किसी ओहदे में नहीं थी ना हुकूमत में, इन्हें चाहिए, इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, इनके लिए अपने लिए अच्छा है, इनकी क्रेडिबिलिटी अवाम में बेहतर होगी। ये जावेद हाशमी साहब को मुअत्तल करें और उन्हें कहें आप अपनी ये पोजीशन साफ करें हमारे सामने आके, क्योंकि हमारी बदनामी बड़ी हो रही है, उसी तरह जिस तरह लॉर्ड नजीर अहमद को किया गया है लेबर पार्टी की तरफ से। जी फौजिया, लॉर्ड नसीर अहमद जी एक बहुत सीरियस बात कही, आपके पास सबसे पहली बात तो यह है कि फौजिया बीबी ने एक बात तो बड़ी जो है वो आज अच्छी खुशकुन कर दी है कि प्रेसिडेंट पीटीआई की कोई हैसियत नहीं है। वो क्या होता है जी, खत्म करें, वो तो एवे ही है, बस वो तो एवे बन गए हुए हैं। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है फवाद साहब, आपने इतनी डेंजरस और बिटर बातें मत कीजिए, आई एम सॉरी। नहीं, आप गलत बात नहीं कही, मैंने ये नहीं कहा है बिल्कुल भी। उन्होंने मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने कहा वो तनख्वाह नहीं लेते, ये वॉलंटरी काम है। दूसरी बात ये है कि अगर ये अफसार आलम साहब आपकी बात को ये प्रेसिडेंट बनाएंगे तो इनको तो वादी पार्टी सस्पेंड करना पड़ जाएगी, आजम स्वाती को किधर लेके जाएंगे, बाकी जो माशाल्लाह भी इतने तोहफे आए हैं वो उनको किधर लेके जाएंगे, वो ये नहीं कर सकते। ये दूसरों पे इल्जाम लगाने में बड़े तेज हैं, बस वही काम ही अच्छा करते हैं। आप अपनी बताएं कि आपकी जमात कहां खड़ी है, आप पीटीआई की फिक्र ना करें, पीटीआई का तो सुनामी माशाल्लाह कौम चला रही है, आप अपना बताइए। जब आप लोग कौम के पास जाएंगे आपको फवाद साहब उस वक्त आप हंसेंगे नहीं, आपको चाहे पीपल्स पार्टी ने आप अच्छा बोलते होंगे मगर सच बोलने की जो बात है वो अच्छा ठीक है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, फवाद चौधरी भी रुकिएगा और फौजिया कसूरी साहबा एक सेकेंड, नाज़िम मुख्तसर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम पे बात नहीं करेंगे। मुझे सवाल ये पूछना है फवाद चौधरी से, क्योंकि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस आखिरी महीनों में हुकूमत के इलेक्शन ईयर में ये मजीद वजारतें देकर क्यों नवाजा जा रहा है और जिन वजरा से हलफ लिया जा रहा है उनको अभी तक पोर्टफोलियोज भी नहीं दिए गए, उनमें बेचैनी भी बढ़ रही है कि जी हमें किस महकमे के लिए वजीर का हलफ उठवाया गया है और अभी तक कोई महकमा ही नहीं दिया गया, ये नवाजिशें क्यों हो रही हैं और उस हालात में जब मुल्क की इकॉनमी ऑलरेडी डाउन है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ। जी नासिर, वेलकम बैक टू द शो। है कोई जवाब और हम बात कर रहे थे शुरू में तो ये कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमेशा ये बात करते हैं और गाहे बगाहे ये बात करते हैं कि मीडिया उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, मीडिया पे खासकर एक मुहिम चलाई जा रही है जो उनके अगेंस्ट है, ये बात नहीं है। जब हम चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, जो भी हुकूमत होती है, जो भी हुकूमत वक्त होती है, इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे डिक्टेटर, जो कि डिक्टेटर माने जाते थे, जब उन्होंने आज़ादी दी मीडिया को, ये भी मीडिया मानता है, लेकिन उन्हीं के आज़ाद करदा मीडिया ने उनके खिलाफ जब चीज़ें जो वो कर रहे थे, उनकी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ जब शुरू हुई, जब उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की तबाही के दाने पर खड़ा किया, जब उसको लेकर आया तो उससे यही पीपल्स पार्टी खुश थी और वो कहते थे कि जी हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है और आज तक उसी मीडिया पर इल्ज़ाम है। ब्रेक पे जाने से कबल हमने कुछ आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर भी पेश किए थे, कुछ स्टेटिस्टिक्स पेश किए थे कि मजीद कितने वज़रा को कैबिनेट में शामिल किया गया है और एक वज़ीर पे कुल खर्चा पाकिस्तान का
कितना आता है, कितनी लेविश लाइफ उसको ऑफर की जाती है, और आज के हालात में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी डाउनफॉल का शिकार है, उसमें ये क्यों किया जा रहा है? मैं मुख्तसर से ज़रा एक एनालिसिस ले लेती हूँ सारा आलम साहब का कि ये क्यों किया जा रहा है, क्या ये अगले ये भी कोई इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? भाई एक इस पे तो मेरा पॉइंट सुन लो, आप आपके पास वापस आ रही हूँ फवाद चौधरी साहब, थोड़ा सा तजिया ले लूं मैं अफसार आलम का, ताकि फिर आप शुरू हो जाइएगा जी अफसार आलम साहब। नादिया ये देखे मसला ये है कि हम जैसे मैंने पहले कहा कि ये सारी सियासत हो रही है, और बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारी इस वक्त लीडरशिप है वो इंतहाई बेहिस हो चुकी है, और बेहिसी का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इससे सख्त ज्यादा लफ्ज मैं इस मीडिया पे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, जो लोगों के घरों में ये बीम इस वक्त जारी होगी, वरना जो लोगों का हाल हो चुका है, मैं आपको थोड़ी सी अगर तस्वीर दिखाऊं इस वक्त पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के 135 के करीब जवान सिपाही जो हैं वो सियाचिन में बर्फ के तोदे के नीचे दबे हुए हैं पिछले 12 दिन से, अभी तक हम उन तक नहीं पहुंच सके, हमारी ये हालत है हमारी हुकूमत की, ना वहां सदर साहब जा सके हैं ना वजीर आजम साहब वहां पे जा सके हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पे फिरका वाराना फसादात हो रहे हैं, क्वेटा में रोजाना शिया आबादी को टारगेट बना के मारा जा रहा है कितने महीनों से, कराची में एक लियारी है और बाकी कराची में इतनी ज्यादा टारगेट किलिंग हो रही है कि लोगों को सुबह घर से निकलते हैं इन्होंने उन्हें यह उम्मीद नहीं होती कि रात को जिंदा घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बलोचिस्तान हमारा एक अलहदगी के तरफ मुसलसल जा रहा है, वहां से मिसिंग पर्सन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, किसी वजीर आजम को सदर को मिसिंग पर्सन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं हुई, पंजाब में लोड शेडिंग और बिजली की और गैस की इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों की बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई इतनी है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्तान है और सरायकी सूबा है, और वो सरायकी सूबा जो 4 साल तक उन्होंने कोई बात नहीं की, अब आके एक नई एक अगले इलेक्शन के लिए एक नया स्टंट बनाया जा रहा है, लोगों के दरमियान नफरतें पहले ही ज्यादा हैं और उन नफरतों को और बढ़ाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि छोटे से आपके सियासी मकासद हैं। क्या कौम का बाप, ये आपके इधर कमरे में तस्वीरें लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके कैमरे में जिसमें है आइडिया आइडियल टीम का, उसमें लिखा है, उसमें देखिए सर सैयद अहमद खान साहब हैं, अलामा इकबाल हैं, कायदे आजम हैं, मोहतरमा फातिमा जिना है और खान लियाकत अली खान, ये देखिए आपके कमरे में लगी हुई है इधर, क्या हमारे यहाँ ऐसी लीडरशिप है? कोई इन इन जैसे किरदार का इस वक्त कोई शख्स ठीक है सारा आलम सर, मैं फवाद चौधरी से पूछ लेती हूँ, फिर मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया कैरेक्टर असैसिनेशन करता है मीडिया इसमें क्या कर सकता है? मीडिया तो वही दिखाएगा जो नजर आ रहा है इस मुल्क में, जो लोगों की हालत है ठीक है, अगर तकलीफ होती है तो अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें ना, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। फवाद चौधरी साहब बताइएगा कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा है? मीडिया असैसिनेशन की बात जो की जाती है, लेकिन गुजरा की बात के बात यह है कि जो अफसार आलम साहब ने बात की है और जो आपने की है कि मीडिया राइट ऑफ क्रिटिसिज्म, ये तो बिल्कुल एक वेस्टेड राइट है मीडिया का, कोई हुकूमत इससे छीन नहीं सकती, कोई हुकूमत इससे मुबर्रा नहीं है, और मीडिया को ज़रूर क्रिटिसिज्म करना चाहिए हुकूमत के ऊपर, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिम्मेदाराना क्रिटिसिज्म करना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर अभी अफसार आलम साहब ने पाकिस्तान की एक जो तस्वीर खींची है उसमें मुझे थोड़ा एतराज़ है, मिसाल के तौर के ऊपर ठीक है पाकिस्तान में बड़ी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होने वाली हैं, हमारे यहाँ कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर का मसले हैं, लेकिन दुनिया में कौन सा मुल्क है जो इतना पीसफुल है जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा? हमारे साथ हमसाए में इंडिया है, 7-8% पर ग्रो कर रहा है, 16 रियासतें हैं जहाँ पर लदगी की तरीके चल रही हैं, वहां पर भी मसाइल हैं। पाकिस्तान में अगर आप अच्छी बातें भी कुछ हैं जिनको आप मीडिया में आप कभी नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर के ऊपर इस साल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कॉटन क्रॉप है, आपने एक लाइन नहीं देखी होगी मीडिया में, पाकिस्तान में 79% महंगाई हुई है लेकिन 125% पेज में इजाफा हुआ है, कभी आप नहीं देखेंगे पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त 13,500-14,000 पॉइंट के ऊपर खड़ी है, कभी आप इसके ऊपर जो है वो हम बात नहीं करेंगे। दुनिया भर में बैंक्स डूबे हैं, एक बैंक पाकिस्तान में नहीं डूबा, बैंक का रिकॉर्ड मुनाफे हुए हैं इस साल, हमारे यहां मईशत जो है वो बिल्कुल इतनी बुरी नहीं थी जितनी के इसहाक डार साहब की कोशिशों के बावजूद इतनी बुरी नहीं थी जो बाकी दुनिया में खड़ी है। पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी हो रही हैं, इसी तरह से इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अभी सियाचिन नहीं गए, लेकिन दूसरी तरफ जो था आपने देखा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को क्लियरेंस नहीं दी गई और वहां पर जाने
के लिए उन्होंने दो दफा भी चकलाला में गए और नई क्लियरेंस मिली। बात यह है कि हमें दोनों पहलुओं को भी तो सामने रखना चाहिए ना। अब आप मिनिस्टर्स की बात कर रही हैं, ये जो SMS 4 साल से मार्केट में था वो आपने दोबारा दिखा दिया। अब बात यह है कि चीन की क्या मिसाल है, वो चीन को डेमोक्रेसी है? मैं तो फवाद चौधरी, मैं ये बात ही नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इलेक्शन ईयर है, कुछ महीने रह गए हैं, ये नवाजिशें इस वक्त क्यों हो रही हैं? आपने कैबिनेट में ये एक्सपेंशन के ऊपर एक्सपेंशन की मैं बात कर रही हूँ कि वुजरा को हलफ उठवाए जा रहे हैं, मैं उनको दिए नहीं जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, एक बात ये है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 1% और less than 1% GDP expenses हैं टोटल हमारी कैबिनेट की और सबके, जो एक मुल्कों में कोई हैसियत नहीं रखते। अगर एक फेडरल मिनिस्टर जो है उसको आप बिजनेस क्लास का टिकट दे रहे हैं तो ये क्या उसमें है? आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेस्ट रूम्स देखें, एक एवरेज होटल से जो है वो गेस्ट रूम्स बुरे हैं। हमारे यहाँ में ये दे दिया जा रहा है कि पता नहीं वो कितनी लग्जरी में रह रहे हैं, क्या हो रहा है। एक पाकिस्तान को ये सिंबलिज्म होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ना इकोनॉमीज के ऊपर ना कुछ बड़ी चीजों के ऊपर। डिफेंड करने का मुझे से बताएं, लग्जरी आप और किसको कहते हैं? वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जब कराची आते हैं तो 30-30, 35-35 गाड़ियां उनके आगे पीछे चल रही होती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ना, तो मान लेना कि लग्जरी में रहते हैं, फिर क्यों आप दुनिया में बाकी जो लोग हैं वो बाकी? नहीं नहीं नहीं, इस चीजों का क्या फर्क पड़ता है? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची आएंगे या उधर जाएंगे, उनको प्रोटोकॉल, उनका हक है, पाकिस्तान के लोगों की 18 करोड़ अवाम की वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के मजर है, वो इंडिविजुअल नहीं है। फौजी कसूरी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं आप लोग इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, क्या इमरान खान साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो यही प्रोटोकॉल उनका तो भी हो जाएगा? है क्या उसका फर्क? उन्होंने 10 दफा कहा है कि सबसे 20 के अंदर अंदर कैबिनेट होगी, 18-20 लोगों से ज्यादा की कैबिनेट नहीं होगी उनका। छोड़िए कि वो तो सब जो कुछ कह रहे हैं वो कौम समझ रही है, इसीलिए तो कौम उनके साथ खड़ी हुई है। बात करते हैं इनकी, मेरे भाई ने कहा, अफसर साहब ने, कि कौन पाकिस्तान में एक लीडर है। मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान में इमरान खान है। टाइम्स की जो लिस्ट बनी है ऑफ द 4 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें इमरान खान इज नंबर 4 because of his contributions, because of his services, because of his struggle for Pakistan. Imran Khan has been nominated for the Nobel Peace Prize. Ab ye nahi malum milta hai ki nahi milta hai, magar hame Pakistani hone ki haisiyat se is cheez pe fakhr hai ki Imran Khan ek wahid siyasadan hai Pakistan ke jinko log izzat ki nazar se tamam duniya mein dekhte hain. Please aap ek second khamosh rahiye. अच्छा, दूसरे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि जी तनख्वाहें बढ़ गई हैं पाकिस्तान में, इतनी हद की बेरोजगारी है इस मुल्क के अंदर। मुझे नहीं मालूम, इनके वजीरों की तनख्वाहें जरूर बढ़ी होंगी, जिस तरह वजीरों के लिए तो एक खुला खाता है कि सदर जरदारी अपनी प्राइवेट विजिट के ऊपर इंडिया जाते हैं और 2 जहाज लेके जाते हैं। किस खुशी में 60-70 आदमियों को लेके गए? ये कौन दे रहा था इसका खर्चा? किसकी जरूरत है उनको जाने की? जी अपनी प्राइवेट विजिट पे गए थे, अपने पास से पैसे देते, $10 million वहां देके आए, ये उन लोगों को देते। यहाँ 10 लाख नहीं होता है, 10 करोड़ रुपया बनता है। $1 million नहीं है, $1 million अनाउंस हुआ है, अब आप उसको भी डिनाई कर दीजिए। बहरहाल वो यहाँ लोगों को जो भूख से खुशकुशियां कर रहे हैं, उन लोगों को देते जिनके पास पानी पीने के लिए नहीं है। ये पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, तालिबान फिलॉसफी है। 8,000 अरब रुपए की जो पाकिस्तान में चोरी हो रही है, ये आप तो दरगाहों के खिलाफ है ना, आपको आप तो इंतजार करेंगे। आपने कहाँ तालीम हासिल की है फवाद? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है, आपने ये नहीं सीखी क्यों? नहीं खामोश रहते जब दूसरा बात कर रहे हैं? नहीं, इनको खामोश रहना चाहिए, मैं इनके मामले में नहीं इंटरफेयर करती। हम पॉलिटिकल इशू को डिस्कस कर रहे हैं। इट्स ओनली पोलाइट के हर एक को मौका दें बोलने का। मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगी, मैंने इंतजार किया ना, ये बोल चुके तो अब मुझे बोल लेना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, आप लोग दोनों बोल चुके हैं, मुझे अफसर आलम साहब से बात कर लेने दीजिए। अफसर आलम साहब मुझे ये बताएगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब कैबिनेट का साइज कट डाउन हुआ था तो उस वक्त आइडियल सिचुएशन क्या थी और आइडियल सिचुएशन अब हमारे यहाँ क्या हो सकती है? और जिस तरह से फवाद चौधरी कह रहे हैं कि कोई फर्क कोई खास नहीं पड़ता, हमारे एक वजीर की इतनी तनख्वाहें नहीं होती हैं, हमारे एक वजीर को इतनी लग्जरीज नहीं मिलती, वो लग्जरीज क्या मिलती हैं वो हमारे सामने है। फवाद चौधरी कहते हैं कि एक बिजनेस क्लास का टिकट वो एक बिजनेस क्लास का टिकट नहीं होता, अनलिमिटेड टिकट्स हैं फॉर आर मिनिस्टर्स। जी अफसर आलम साहब, 1% ऑफ GDP नहीं है। बिल्कुल जी, अगर 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 सरकारी कामों के लिए उन्हें जरूरत है अनलिमिटेड टिकट्स की तो उन्हें मिलनी चाहिए, इस पर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब इस बात को ना वो स्पिन दे रहे हैं, वो जो अच्छी बात नहीं है। मैं इनसे बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, किसी बात का प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। 35 गाड़ियां
जुर्म है अगर पाकिस्तान का वजीर आजम साथ लेके फिरता है और उस मुल्क का वजीर आजम जिसका बच्चा बच्चा मकरूज है, हम भीख का कशकोल उठा के पूरी दुनिया में फिरते हैं भीख लेने के लिए और 35 गाड़ियों में हमारा प्राइम मिनिस्टर सफर करे, उसे शर्म आनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा कौन कहां पे होता है, पूरी दुनिया में नहीं होता। अभी आप फुटेज निकालें गूगल पे जाके या यूट्यूब पे, बर्तानिया का वजीर आजम 3 गाड़ियों में जा रहा है, एक आगे एक पीछे एक में वो बैठा हुआ है, इशारों पे रुकता है, अगर कोई और गाड़ी पहले चौराहे पे आती है उसको रास्ता देता है। ये आज की बात है, कहीं नहीं है, हमारे एम्बुलेंसेस में लोग दोबारा जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, जंगे खंदक में हर जगह प्रोटोकॉल दिया जाता है कि मेरे साथी जो हैं वो भूखे हैं। और हमारे वजीर आजम साहब की सेहत पहले से देखे कितनी बढ़ गई है, और उनका सूट अच्छा जो पहले क्या कपड़े पहनते थे और आज वो क्या कपड़े पहनते हैं। मेरे आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, फवाद चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगी अफसार आलम साहब आप ज्वाइन करने का, हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। नाज़रीन, जिस मुल्क का अहवाल हम आप तक रख रहे हैं, जिन वुज़रा की जो पर्क्स हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, जो उनकी मराहत है, वो हम आप तक रख रहे हैं। हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ का आज हर बच्चा, अगर हम एक एक पर पर्सन भी हम उसको काउंट करें तो 65 रुपीज से ज़्यादा उसका वो कर्ज का वो मकरूज है। 35 उसको बताया जाता था जब 2008 था, और अब 55 से 65 रुपए का फिगर हमारे सामने आता है। और उसके बाद हमारे वज़रा ये लग्जरीज कहते हैं, उसके अवेल करते हैं, और फिर इनके जो फॉलोअर्स हैं, ये जो पीपल्स पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं या उनके अपने जो रहनुमा हैं, वो उसको अपना हक मानते हैं। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से, नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।